मिश्रा जो कि यहां धरने में शामिल नहीं थे, जब इन लोगों को पता चला कि तमाम कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनकी मदद करती है। पीड़िताएं दर दर भटक रही हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लौटने के बाद उनको जला दिया जाता है, पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। जिन उत्तर प्रदेश में सुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी वो चरम पर है, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश अपराध महिला अपराध में पहले नंबर का प्रदेश बन गया है। पुलिस को जिनके साथ न्याय करना चाहिए, सरकार को उनसे न्याय करना चाहिए, उनके साथ अन्याय कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध प्रकट करते हैं उस सरकार के खिलाफ तो तानाशाही के तौर पर उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमन करना चाहती है, लाठियां चलाना चाहती है, पीटती है। अगर यही लाठियां पुलिस की यही दमनकारी नीतियां अपराधियों के खिलाफ चलती, बलात्कारियों के खिलाफ चलती तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज होता तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित चलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सोच रही हैं सड़क पर निकले तो निकले, कैसे निकले। मैं मानता हूं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है। मैं महामहिम राज्यपाल से मांग करूंगा इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और महिलाओं को न्याय मिले, इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। इंकलाब।